हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एरोमेटिसिटी। और एरोमेटिसिटी में हमने क्या किया था, लास्ट जो टॉपिक हमने देखा था वो कौन सा था, साइक्लोब्यूटाडाइन, इसके बारे में पढ़ रहे थे। अपना टॉपिक चल रहा है एरोमेटिसिटी, विच कंपाउंड इज़ एरोमेटिक इन नेचर, कौन सा तो कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और लास्ट में नॉन एरोमेटिक। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें सिर्फ हमने बेसिक देखा था, और यहाँ पर हम बात करें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक यही डिस्कस किए थे। तो आज के टॉपिक में भी यही आने वाला है, कौन से एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, फिर लास्ट में हम देखेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझो, कल हमने देखा था यहाँ पर इसकी बात करी थी साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको हमने देख लिया था। ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन होता है वो कैसी शेप का नहीं है, स्क्वायर शेप नहीं होगा, ये कौन सी शेप का होता है, रेक्टेंगुलर। क्यों है रेक्टेंगुलर, क्योंकि जब हमने देखा इसको तो इसके डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ पर अपन बात करें, ये वैसे टॉपिक हमने कल देख लिया था। बेंजीन की बात करूँ, इस बेंजीन में यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यही होता है। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इसकी क्या होती है, सेम होती है। जितनी सपोज करो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू एक्स यहाँ पर, तो इसकी भी कितनी आती है, एक्स आती है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें साइक्लोब्यूटाडाइन में ये डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है, अलग अलग। एक की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और एक की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। इतना हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसीलिए क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अब यहाँ पे हमें एक बात क्या करनी है, कल वाले टॉपिक को अगर अपन कंटिन्यू करें तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं डील्स एल्डर रिएक्शन, डील्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर इस रिएक्शन की बात करें तो होता क्या है, देखो डील्स एल्डर रिएक्शन में डील्स एल्डर रिएक्शन में होता क्या है, देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस तरह से होगा, ये डबल बॉन्ड ब्यूटाडाइन, चार कार्बन है यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या हो गया, ब्यूटाडाइन प्लस ऐसे। अब यहाँ पे बॉन्ड, इन दोनों की रिएक्शन होगी, रिएक्शन कैसे होगी, थर्मल कंडीशन ले लिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड रोटेट करते हैं तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला आगे जाएगा और ये वाला जाएगा इधर, इसी को ही तो अपन क्या बोलते हैं, डील्स एल्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगा, देखो एक सेकंड बनाते हैं धीरे धीरे, ये है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये इस तरह से डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये वाला, अच्छा इसको बनाओ, ये बन गया ऐसे। अब ये वाला बॉन्ड कहाँ जा रहा है, ऊपर, इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसको मैं लिखूँ 1 2 3 4, ये 5 और ये क्या हो गया 6। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से 5 और 6 से ब्रेक हो जाएगा और कहाँ जाएगा, 1 और 5 ऐसे, और ऐसे यहाँ पर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा 4 और 6। इसको बोलते हैं हम डील्स एल्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है, एक साइड तो दो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड, और कैसे हैं ये, कॉन्जुगेटेड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, दो डबल बॉन्ड है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डाईइन। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा रिएक्ट करने के लिए, जैसे ई प्लस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। एन यू नेगेटिव, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, है ना। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास यानी नेगेटिव चार्ज के पास। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस के पास यानी पॉजिटिव चार्ज के पास। ऐसे ही ये जो होता है वो किसके पास जाएगा, डाईइन के पास जाएगा, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, इसे क्या बोलेंगे, डाईइनोफाइल। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये वाला, इसे हम बोलते हैं डाईइनोफाइल। इथीन है ये, सी है यहाँ पर भी सी है, इथीन है, लेकिन क्या है ये, डाईइनोफाइल। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डील्स एल्डर रिएक्शन। इसको मैंने क्यों बताया, देखो क्योंकि मुझे किसकी बात करनी है, अपना टॉपिक चल रहा है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, है ना, इसी से ही रिलेटेड जहाँ जहाँ पे टॉपिक आते हैं उसको डिस्कस करते जाते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, अब बताओ ये क्या है, इसके पास दो डबल बॉन्ड है ना, अगर इसके पास दो डबल बॉन्ड है तो ये क्या होना चाहिए, इसके पास दो डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, डाईइन, है ना। लेकिन द पॉइंट इज, ये जो साइक्लोब्यूटाडाइन है वो किसके लाइक बिहेव करता है, दोनों नेचर शो करता है। कौन कौन से दो नेचर शो करता है, एक तो ये शो करता है कौन सा, डाईइन, क्योंकि दो डबल बॉन्ड है। ठीक है, और कंडीशन के अकॉर्डिंग ये किसके जैसे बिहेव करता है, डाईइनोफाइल, इसके दोनों नेचर हैं, ये डाईइन भी जैसे बिहेव शो करता है और डाईइनोफाइल भी शो करता है।
अब कैसे करता है उसको शो करते हैं। हम दो रिएक्शन देखेंगे जहाँ पर क्या होगा, एक में तो ये डाई इन लाइक बिहेव करेगा और दूसरे में कैसे करेगा, डाई इनोफाइल। रिएक्शंस को देखते हैं, साथ के साथ वो टॉपिक करते जा रहे हैं जहाँ पर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या आ रहे हैं, कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो हमने एक तो क्या देखा, साइक्लोब्यूटाडाइन, इसकी बात चल रही है, ये टॉपिक ये है क्या, कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक, इतना भी ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, बिहेव्स एज, पहले हम वो देखते हैं जहाँ पर ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, बिहेव्स एज डाइइन, बिहेव्स एज डाई इनोफाइल, पहले वो देखते हैं जहाँ पे किसके जैसे बिहेव कर रहा है, डाई इनोफाइल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन लिखते हैं, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहाँ पर साइक्लोब्यूटाडाइन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाडाइन, रिएक्ट तो करेगा लेकिन किसके जैसे बिहेव शो करेगा, डाई इनोफाइल। डाई इनोफाइल का मतलब ये किससे रिएक्ट करेगा, डाइन से। रिएक्शन कौन सी हो गई, देखो यहाँ लिखा हमने एक तो ये लिखा है, प्लस इसकी रिएक्शन इससे हो रही है। अब देखो यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये क्या है, डाई इन, दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन, यहाँ पर भी दो डबल बॉन्ड है तो इस ये भी क्या होना चाहिए, डाई इन। लेकिन क्या होगा, इस रिएक्शन में ये तो होता है डाई इन, अब यहाँ पर डाई इन है तो ये किसके जैसे बिहेव करेगा, डाई इनोफाइल। और डाई इनोफाइल का मतलब हो गया कि किसके पास जाकर ऐड होगा, किससे अट्रैक्ट होगा, डाई इन से। इसकी रिएक्शन किससे हो जाएगी, इससे हो जाएगी। अब कैसे होती है, देखो अगर इस रिएक्शन को ईजिली ना कर पाओ तो पहले इसको देख लिया करो, यहाँ पर ये ऐसे ये इधर, अब क्या करना है, बॉन्ड रोटेट करने है ना, इसका बॉन्ड रोटेट करो। देखो इसको मैं लिखती हूँ 1, 2, 3, 4, ये रिएक्शन होगी। और यहाँ पर क्योंकि डाइईन तो ये है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड सिर्फ काम में आएगा, ये वाला बॉन्ड, इसको मैं ऐसे करती हूँ, ये वाला बॉन्ड हमारा काम में नहीं आने वाला है, ये वाला काम में आना है। इसकी नंबरिंग कर देते हैं ये 5 और ये क्या हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। अब रिएक्शन करवाओ, कैसे होगी रिएक्शन, जैसे डाई इन करता है क्या हुआ था, देखो ये वाला बॉन्ड जो था वो यहाँ शिफ्ट हुआ था, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड भी कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला बॉन्ड कहाँ जाता है, इधर, है ना, तो ये वाला बॉन्ड इधर से बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, एक तो 4 से बनेगा, ये 4 लिख देते हैं, और एक किससे बनेगा, 6 से। जैसे ही 4 का बॉन्ड 6 से बनेगा तो ये इधर बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये किससे बनेगा, 1 से। देखो कैसे बनेगा, थोड़ी देर के लिए क्या करो, इसको नेगलेक्ट कर दो, ठीक है, तो इसको मैं हटाई देती हूँ यहाँ से, फिर अपन बाद में ऐड कर देंगे। ये हटा दिया यहाँ से, बाद में लगा देंगे यहाँ पर, ये क्या। अब देखो यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कर दो, क्या करना है, देखो पहले इसको बनाते हैं, ये बन गया, इसका डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, और देखिए तो 1 का बॉन्ड किससे बनने वाला है, 5 से, ये 1, ये 2, ये 3 और ये क्या हो गया, 4। 1 का बॉन्ड बनेगा किससे, 5 से, तो यहाँ लिखा 1 का बॉन्ड बनने वाला है 5 से, और 4 का बॉन्ड किससे बनेगा, 6 से, तो यहाँ लिखा 4 का बॉन्ड किससे बन गया, 6 से, और ये क्या, 5 और 6, डबल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक बार दोबारा देखो क्या किया है, 2 और 3, इसके बीच में क्या आना है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 वाला ये वाला बॉन्ड यहाँ गया, तो ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा, आगे कहाँ पर जाएगा, 4 का बॉन्ड किससे बनने वाला है, 6 से, 4 का बॉन्ड किससे बन गया, 6 से। फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ही 4 6 से बॉन्ड बनाएगा तो इसका 5 यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये बन गया, क्या क्या रह गया, अब वो लगाते हैं 1 और 4, इसको देखो 1 और 4, 1 और 4 के बीच में क्या है, ये वाला है, एक कार्बन और है, इसको तो हमने बॉन्डिंग शो कर दी ना, 1 और 4 के बीच में एक कार्बन है, तो 1 और 4 के बीच में ये लगा दिया हमने एक कार्बन, ऐसे ही तो है ये एक कार्बन, ठीक है। और क्या रह गया बताओ, ये डबल बॉन्ड था जिसको हमने हटा दिया था ऐसे, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, बस हो गई रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ये तो हो गया डाई इन, और ये क्या है, डाई इन के पास जाने वाला, डाई इन से अट्रैक्ट होने वाला क्या हो गया, डाई इनोफाइल। तो अपना फर्स्ट टॉपिक क्या हो गया कि साइक्लोब्यूटाडाइन कौन सी शेप है, स्क्वायर नहीं है, कौन सी होगी इसकी, रेक्टेंगुलर।
ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप होगी। कौन सी नेचर का ये? एंटी एरोमेटिक नेचर का है। इसके बाद रेक्टेंगुलर है तो दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अलग अलग होगी। ये किसके जैसे बिहेव करेगा? दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड है तो इसके किसके जैसे बिहेव करना चाहिए? डाइईन जैसे। लेकिन ये दोनों नेचर शो करता है, कौन कौन से दोनों नेचर? डाइईन भी करेगा और डाइईनोफाइल भी करेगा। ठीक है, डाइईनोफाइल का मतलब ये होता है कि है तो इसके पास दो डबल बॉन्ड लेकिन काम में यूज़ में कौन आएगा? सिर्फ एक। ठीक है, डाइईनोफाइल का मतलब ये होता है तो इसके पास दो डबल बॉन्ड लेकिन यूज़ में कितना आएगा? एक। ठीक है, इस रिएक्शन में किसके जैसे बिहेव कर रहा है? डाइईनोफाइल। अब देखेंगे हम वो रिएक्शन जहाँ पर ये किसके जैसे बिहेव करेगा, इसका बिहेवियर आएगा डाइईन जैसे। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बिहेव्स एज डाइईन। अब वो रिएक्शन देखेंगे जहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डाइईन। कौन? साइक्लोब्यूटाडाइन। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों डबल बॉन्ड यूज़ में आने वाले हैं। दोनों डबल बॉन्ड कैसे यूज़ में आएंगे? देखो इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। इसको बना दिया, अब मैं इसको ऐसे बनाऊँ या ऐसे बनाऊँ, बात तो एक ही है, एक ही बात है ये तो, है ना। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे? इस कंपाउंड से। ये ईटी मतलब क्या होता है? इथाइल। अब क्या होगा? देखो इसके पास एक ही तो डबल बॉन्ड है, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ कितने हैं? दो हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दो डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? डाइईन। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? किसके जैसे बिहेव करेगा? ये डाइईन के पास जाकर जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाइईनोफाइल। कैसे करेंगे रिएक्शन? वही नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। इसे लिखा 5 और इसे क्या लिख दिया? 6। हो गई रिएक्शन। कैसे करना है? बॉन्ड्स को रोटेट कर दो। ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? इधर। जैसे ही ये यहाँ जाएगा तो 4 ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, किसके पास जाएगा? 6 के पास। और ये वाला कहाँ जाएगा? 1 के पास। हो गई बॉन्डिंग, बस बॉन्ड फॉर्म करना है। बनाते हैं, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे, यही तो है। इसके बाद क्या करना है? 2 और 3 इसकी नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया? 4। क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद 4 वाले का बॉन्ड किससे बनना है? 6 से। तो ये डबल बॉन्ड था, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। 4 वाले का बॉन्ड 6 से बनना है, ये 5 है और ये क्या है यहाँ पर? 6। इसका बॉन्ड बनेगा 6 से। और 1 वाले का बॉन्ड किससे बनेगा? 5 से। ये बन गया 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर? इसको हम लिखें तो ये 5 है और यहाँ आ जाएगा COOET। ठीक है, तो हमने दो रिएक्शन देख ली जहाँ पर इसका नेचर क्या हो गया? बिल्कुल डिफरेंट। इसका मतलब ये स्टार्टिंग से क्या करता है? डिफरेंट नेचर शो करते आ रहा है। एक तो ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक मतलब अलग चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दिखता है स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगुलर होता है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की लेंथ अलग आएगी, सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होगी? अलग आएगी, क्योंकि इसके पास दो डबल बॉन्ड हैं। तो दो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब इन डाइईन, तो इसको कैसा बिहेवियर शो करना चाहिए? डाइईन। बट इट बिहेव्स बोथ द नेचर, डाइईन भी और डाइईनोफाइल भी। डाइईन और डाइईनोफाइल में कन्फ्यूज मत होना, इसमें तुम्हें क्या समझना है? डाइईन का मतलब दोनों डबल बॉन्ड यूज़ में आने वाले, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड यूज़ में आने वाले। और डाइईनोफाइल का मतलब है, कैसे भी समझ सकते हो इसको, दो डबल बॉन्ड है लेकिन यूज़ में कितना आएगा? एक ही आएगा, या तो ऐसे समझ लो, या फिर डाइईन से अट्रैक्ट होने वाला वो क्या हो जाएगा? डाइईनोफाइल। तो ये अपना कौन सा टॉपिक हो गया? जो अपन कल वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते आ रहे हैं इसको। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करो, इसमें क्या होगा? दो कंपाउंड लिखे हुए और हमें डिस्कस क्या करना है? हमें डिस्कस करना है विच वन इज़ मोर एरोमेटिक। तो पहले तो ये चेक करो कि ये एरोमेटिक है भी या नहीं है। कैसे करते हैं एरोमेटिक को चेक? साइक्लिक, दोनों क्या हैं? साइक्लिक हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? साइक्लिक के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और बीच में क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। दोनों सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कॉन्जुगेशन है, यानी अल्टरनेट ऑर्डर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी क्या आ गया? दोनों डबल बॉन्ड के बीच, सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या आ गया? पॉजिटिव। इतना ठीक है, ये हमने कल भी देखा था। इसके बाद देखो हकल्स रूल फॉलो हो रहा है क्या? हकल्स रूल का मतलब 2π इलेक्ट्रॉन, 6π इलेक्ट्रॉन, कौन सा था ये था ना, 4n+2 हमने पढ़ रखा है, 2π, 6π और क्या होता है 10π इलेक्ट्रॉन।
तो चेक करते हैं यहाँ पर दो एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड का मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, टू पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो एरोमेटिक है। इसकी बात करो तीन पाई बॉन्ड है तो ये भी क्या हो गया, एरोमेटिक है। दोनों ही क्या है, एरोमेटिक। क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ मोर एरोमेटिक, तो तुम्हें क्या याद रखना है, देखो एरोमेटिक की एक कंडीशन होती है, ये तो है ही है। इसके अलावा क्या होता है, एरोमेटिक रिंग के लिए कंडीशन होती है द रिंग शुड बी प्लेनर, ठीक है। तो एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक ये भी है। अब क्या होगा, मोर एरोमेटिक कौन होगा, मोर एरोमेटिक वो होगा जिसमें प्लेनरिटी क्या हो ज़्यादा, यानी जो क्या हो एक ही प्लेन में हो। इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास क्या है स्मॉल रिंग है, और एक क्या हो गया इसके पास सात कार्बन है, सेवन कार्बन है इसके पास, तो ये रिंग क्या हो गई लार्जर है, दिखने में भी क्या है लार्जर ही है ये। अब क्या होता है, जो स्मॉल रिंग होती हैं वो तो क्या होती है एक ही प्लेन में आ जाती है, जैसे ट्राइंगल है तो वो ट्राइंगल क्या होगा एक ही प्लेन में आ जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ पर इसका रिंग साइज़ क्या है, रिंग का साइज़ क्या लार्जर है, तो इसकी प्लेनरिटी जो होती है वो छोटे वाले के कंपैरिजन में क्या होती है कम होती है, यानी मोर प्लेनर कौन हुआ, स्मॉलर रिंग वाला जिसका रिंग क्या है छोटी है। तो जब इसमें प्लेनरिटी ज़्यादा है तो इसकी एरोमेटिसिटी भी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें प्लेनरिटी ज़्यादा है स्मॉलर रिंग में, तो जिसकी प्लेनरिटी ज़्यादा उसमें एरोमेटिक नेचर भी क्या होगा ज़्यादा, तो ये वाली रिंग क्या हो गई मोर एरोमेटिक, ठीक है। ऐसा ही हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था विच वन इज़ मोर एरोमेटिक, वहाँ पर भी था, और ये क्या हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनमें से हमें बताना है कौन एरोमेटिक है कौन एरोमेटिक नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम साइक्लिक होना चाहिए, अल्टरनेट भी हमें दिख ही रहा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं हकल्स रूल, यहाँ पे कितना है 2, 4, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, हकल्स रूल को चेक कर लेंगे। तो रिंग तो हमें सब में ही दिख रही है, अल्टरनेट भी ये सब में ही है, डायरेक्ट क्या चेक करते हैं इसको अपन थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे ये रिंग क्या है, साइक्लिक है, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट का मतलब क्या हो गया कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसके बाद क्या देखना है हमें, साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, और नेक्स्ट क्या देखना है, हकल्स रूल, कितने पाई बॉन्ड, तीन, तीन पाई बॉन्ड, ऑड पाई बॉन्ड है तो ये क्या होगा एरोमेटिक, डायरेक्ट कर लेते हैं ऑड पाई बॉन्ड, कैसे भी करना चाहो ऑड पाई बॉन्ड या सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। अब क्वेश्चन क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो रेजोनेंस होता है पाई बॉन्ड रोटेट करते हैं वो कहाँ करते हैं, रिंग के अंदर ही तो करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसे ही होगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, पॉजिटिव चार्ज का पहली बात तो पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन कम है या वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इससे तो कुछ क्या होगा कोई भी हिंड्रेंस नहीं होने वाली, तो ये क्या करेगा इजीली रोटेट करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया एरोमेटिक। पॉजिटिव चार्ज के पास, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन चले गए तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ऐसे ही देखो यहाँ पर इसकी बात करूँ, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। अब होता क्या है, देखो जो एरोमेटिसिटी आती है वो कहाँ से आएगी, पाई बॉन्ड कहाँ पे रोटेट करेंगे, रिंग के अंदर करेंगे, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है आउटर ऑफ द रिंग, ये रिंग के कहाँ पर है बाहर की साइड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग के अंदर वाले पार्ट को, पाई बॉन्ड को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को रोटेशन में इफेक्ट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, तो ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, यहाँ पर सेम यहीं पर आएगा, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही यहाँ पर, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन है। अब सेम वही बात, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रिंग के अंदर तो है नहीं, जब रिंग के अंदर नहीं है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो ये क्या हो गया एरोमेटिक। ये सारे तीनों कंपाउंड क्या हो गए एरोमेटिक। इसको देखते हैं यहाँ पर, ये इसका नाम क्या होता है, बेंजीन जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है एल्काइन, तो इसका नाम क्या हो गया बेंजाइन, ठीक है। पहली बात तो इसका नाम क्या हो गया बेंजाइन, आइन क्यों बोला है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब इसके बाद देखो, कल मैंने तुम्हें जब बेसिक पढ़ाया तो एक बात कही थी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या होता है कि हमने ये देखा था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ sp2 वाले ही क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं, कभी कभी क्या होता है जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है वो भी क्या शो करता है एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो पहली बात तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, यहाँ पर ये कार्बन है ना, तो इसकी बात करें ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, ये वाला भी कौन सा होगा सिग्मा, और ये हो गया यहाँ पे पाई, और ये क्या हो गया पाई। ओवरऑल बात करो इस कार्बन के कितने सिग्मा है, दो, एंड द टू सिग्मा मीन्स क्या हो जाएगा sp। सेम यहाँ पर सिग्मा सिग्मा, तो दो सिग्मा मतलब क्या हो गया sp। तो यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है sp है। इसके बाद देखो यहाँ पे अपन क्या बात करते हैं,
जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, इसको मैं ऐसे बनाऊँ तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड बनाना है तो पाई बॉन्ड कैसे बनाओगे, पाई बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर होता है ये वाला बॉन्ड, तो कौन सा होता है, ये वाला बॉन्ड होता है सिग्मा, ठीक है। और पाई कैसे बनेगा, पाई बनेगा, इसको सिग्मा कंसीडर कर लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद पाई कैसे बनेगा, पाई ऐसे बनेगा जब दोनों ऑर्बिटल कैसे होंगे, दोनों ऑर्बिटल होंगे पैरेलल, ऐसे बनेगा ये वाला पाई, ये वाला पाई क्या हो जाएगा, सिग्मा को हटाते हैं, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला लोब कहाँ से आएगी, नीचे से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ये डंबल शेप, ये इधर ऐसे ही होगा ना पाई बॉन्ड, ठीक है। ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे, परपेंडिकुलर, ये तो कौन सा है पाई और ये कौन सा हो गया सिग्मा, तो परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे एक पाई बॉन्ड और बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड तीन होते हैं ना, एक पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो ये बना एक बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड क्या बना सिग्मा, फिर दूसरा बनाते हैं, दूसरे के लिए ये लिखा है यहाँ पर, ये भी इधर, और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं, ये कौन सा बॉन्ड हो गया पाई बॉन्ड। अभी एक बॉन्ड और रह गया, अब बताओ वो थर्ड बॉन्ड कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर ही होगा ना, और परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं, देखो ये हो गया, ये हो गया, अब एक तो हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गई वाई, और थर्ड कहाँ पर आएगी, ऐसे ही आएगी ना थर्ड, तो इस थर्ड को अपन बोर्ड के बाहर कैसे शो करते हैं, ऐसे करते हैं, है तो ये परपेंडिकुलर ही ना ऐसे, तो इसे हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर वाली लोब ऊपर से कनेक्ट होगी और नीचे वाली किसी होगी, नीचे से कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई, ऐसे ही होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग है पाई वाली, थर्ड वाला जो बॉन्ड है एल्काइन वाला ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम बोल रहे हैं ऐसे, ये तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हमें चाहिए sp2, ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कहाँ होते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। तो अब बताओ इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, नहीं, क्योंकि ये वाले क्या हो गए, अगर प्लेन में है रिंग, प्लेन में रिंग मतलब ऐसे, ये प्लेन में रिंग हो गई, ठीक है। और ये जो तीसरा बॉन्ड बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड वो कहाँ पर है, परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की साइड, एक इधर एक कहाँ पर है, एक इधर है और एक कहाँ पर है, नीचे। तो रोटेशन तो यहाँ होगा ना पाई बॉन्ड का, इधर रिंग के अंदर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ है, बाहर की साइड है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेंजाइन भी क्या होगा, एरोमेटिक, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है sp है, स्टिल द कंपाउंड इज एरोमेटिक, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड है उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो रिंग के कहाँ पर है, आउटर साइड, बाहर की साइड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन, ये एग्जांपल है, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए उनमें क्या हो रहा है, हमने सिर्फ दो ही डिस्कस किए हैं, एक तो एरोमेटिक और दूसरा क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अभी तो हम कहाँ पर नहीं आए, नॉन एरोमेटिक तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया अभी, तो इसको अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसको ही कम्प्लीट करते हैं। ये तीन एग्जाम्पल हैं देखो यहाँ पर, इसको डिस्कस करो, ये वाला बताओ क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या देखते हैं, साइक्लिक रिंग तो हमें पता ही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद अल्टरनेट है, फिर चेक करते हैं अपन हकल्स रूल, हकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तीन तो पाई बॉन्ड है, तीन पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या देखना है हमें, थ्री पाई बॉन्ड लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, लेकिन ये वाला मैंने तुम्हें बता रखा है VSEPR वाले टॉपिक में बताया था कि यहाँ पर क्या होगा, अगर दो पाई बॉन्ड हैं तो एक पाई बॉन्ड वाला कहाँ जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ पर रोटेट करेगा, लोन पेयर, एक लोन पेयर कहाँ जाएगा, अंदर रोटेट करेगा, और दूसरा वाला क्या रहेगा, आउटर ही रहेगा, बाहर ही रहेगा, है ना। ये वाला लोन पेयर कहाँ आ रहा है, अंदर की साइड आ रहा है, लोन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, दो, एंड द टू इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक LP का मतलब हम क्या काउंट करते हैं, एक पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, है ना, एक ही लोन पेयर काउंट होगा, दूसरा तो रिंग के कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। अब यहाँ पे टोटल क्या हो गया, तीन तो पाई बॉन्ड है और एक यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा, तो कितने हो गए, फोर पाई बॉन्ड, एंड द फोर पाई बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, एट पाई इलेक्ट्रॉन, चार पाई बॉन्ड हो गए ना, तीन तो यहाँ पर है ही है और एक लोन पेयर को काउंट कर लिया, तो टोटल कितने हो गए, चार पाई बॉन्ड, एट पाई इलेक्ट्रॉन, और एट पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ कितना आएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, ये लो यहाँ से और ये गया, इस वाले ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, कैसे करेंगे, देखो ये सिग्मा, सिग्मा कितने सिग्मा हो गए, दो तो हो गए अपने पास सिग्मा,
कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है। और 2+2 कितना हो गया, 4, एंड 4 मीन्स क्या हो गया, sp3, जो क्या है, इनकरेक्ट, गलत है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर तो कहाँ है, रिंग के अंदर, क्या बना रहा है वो, पाई बॉन्ड। एक लोन पेयर तो रिंग के अंदर है और वो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब, और हमें क्या पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में अपन क्या काउंट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में अपन काउंट करते हैं एक तो सिग्मा बॉन्ड और क्या काउंट करते हैं, लोन पेयर। पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करते। तो क्या होगा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ऊपर वाले को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो दो तो हो गए सिग्मा और एक क्या हो गया, LP, ठीक है। और 2+1 कितना होता है, 3, एंड 3 मीन्स क्या हो जाएगा, sp2। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, ये वाला कंपाउंड बताओ क्या होगा, एरोमेटिक है या फिर एरोमेटिक नहीं है, बाकी सब हटा देते हैं यहाँ से। जब तक आप इसको सॉल्व करो, इसमें अपन लिखें तो ये क्या होगा, ये वाला है sp2 है और 8π इलेक्ट्रॉन है और एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। इसकी बात करूँ, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर हकल्स रूल को फॉलो करेगा। एरोमेटिक कब होता है, एरोमेटिक तब होता है जब वहाँ पर क्या होंगे, दो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू नहीं आने चाहिए। यहाँ पर दो सिंगल बॉन्ड क्या आ गए, कंटिन्यू आ गए। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। देखो दोबारा सुनो इसको, एक बार अपन बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड, एंड दो पाई बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, 4π इलेक्ट्रॉन। 4π इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, है ना। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है एंटी एरोमेटिक, क्योंकि मैंने तुम्हें जब फर्स्ट जो इसका लेक्चर था उसमें क्या बताया था कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों की कंडीशन क्या है, सेम। अगर ये प्लेनर है तो ये भी क्या होगा, प्लेनर होगा। इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट आने चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो इसमें भी यही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे अपन बात करें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड और फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट ऑर्डर इसमें भी होना चाहिए, दोनों में ही। सिर्फ अंतर क्या था, एरोमेटिक वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2π इलेक्ट्रॉन थे, 6π इलेक्ट्रॉन थे और 10π इलेक्ट्रॉन थे, यानी ऑड पाई बॉन्ड, अगर ऑड पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या था, इसमें इवन पाई बॉन्ड होंगे। और दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात अगर अपन बात करें तो 4π इलेक्ट्रॉन और 8π इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। अब देखो यहाँ पे 4π इलेक्ट्रॉन है, 4π इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इसे क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेनरिटी नहीं है। प्लेनरिटी मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर दो क्या आ गए, सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ गए, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो हम कर सकते थे, सीधा कर देंगे इसको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये सही था, एंटी एरोमेटिक। लेकिन अब दो सिंगल बॉन्ड क्या आ गए, कंटिन्यू आ गए, यानी अब ये प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये जो है फर्स्ट अपना क्या कंपाउंड आया है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगर दो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ जाएँ तो ध्यान रखना, ना तो वो एरोमेटिक होगा और ना ही क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। कब, जब दो सिंगल बॉन्ड क्या आ जाए, कंटिन्यू आ जाए, और यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब बात करते हैं यहाँ पर इस वाले कंपाउंड की, ये तो दे रखा है लेकिन इसके साथ में क्या दे रखा है, Na। तो Na के एडिशन से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या, Na के एडिशन से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, अगर मैं बात करूँ Na की, तो Na क्या होता है, Na मेटल है, और मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यही तो होता है, मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो 100% सोडियम जो है मेटल है, अपना काम करेगा ही, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, ये कंपाउंड है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, Na, ठीक है। अब इसकी बात करो यहाँ पर, अभी तक हमने जो क्लासेस में, छोटी क्लासेस में एरोमेटिक कंपाउंड देखे थे वो बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल थे। अब थोड़ा हाई लेवल की बात करते हैं कि कौन से एरोमेटिक हो सकते हैं, कौन से एरोमेटिक नहीं होंगे, किन को हम एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, ये कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, सोडियम से हो रही है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो
स्टेबिलिटी ऑर्डर, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, इसको तुम याद रखना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें कि नेक्स्ट स्टेबिलिटी में कौन आएगा, एरोमेटिक, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरोमेटिक के बाद आने वाला है अपने पास नॉन एरोमेटिक, ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होते हैं? एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल कौन होते हैं? एंटी एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड है, हमने अभी देखा था इससे पहले, ये दो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ गए, तो ये कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड है नॉन एरोमेटिक। अभी ये कंपाउंड कौन सा है? नॉन एरोमेटिक। कैसे पता लगा? दो सिंगल बॉन्ड कंटिन्यू आ गए, प्लेन में नहीं है ये, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? सोडियम से। तो क्या होगा? देखो, नॉन एरोमेटिक जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक वालों से क्या है? कम है। उनकी स्टेबिलिटी की बात करें तो एरोमेटिक वालों से क्या है? इनकी स्टेबिलिटी कम है। अब कम है तो इसको क्या होना है? मोर स्टेबल, यानी ये भी क्या होना चाहता है? स्टेबल। कौन स्टेबल होना चाहता है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अगर इसको स्टेबल होना है तो ये स्टेबल कब होगा? जब ये किस में कन्वर्ट हो जाए? एरोमेटिक में। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कम स्टेबल है और हर कोई क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो नॉन एरोमेटिक वाले को क्या होना है, यानी इस कंपाउंड को क्या होना है? स्टेबल होना है। ये स्टेबल कब होगा? ये स्टेबल तब होगा जब ये किस में कन्वर्ट हो जाए? एरोमेटिक में। इसका मतलब ये चाहता है कि ये कैसे भी करके किस में कन्वर्ट हो जाए? एरोमेटिक में। कैसे कन्वर्ट होगा? देखो, यहाँ पर इस कार्बन की बात करो, दो बॉन्ड तो बने हुए हैं, दो कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन। ये कंपाउंड चाहता है एरोमेटिक होना, कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ से H प्लस निकल जाए, H प्लस चला जाए, और जैसे ही प्लस गया, NaCl है, Na प्लस गया तो क्या बचेगा? Cl नेगेटिव। तो ये चाहता है कि यहाँ से कौन चला जाए? H चला जाए। अगर H चला गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव चला गया तो क्या आना है? नेगेटिव। और जैसे ही इसके पास नेगेटिव आएगा तो देखो ये क्या हो गया, इसकी बात करो, नेगेटिव दो तो पाई बॉन्ड ये रहे, एक नेगेटिव चार्ज, देखो इसको याद रख लेना, वन नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है? वन पाई बॉन्ड, ठीक है। एक लोन पेयर, इसका मतलब भी क्या होता है? वन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब एक पाई बॉन्ड, और एक लोन पेयर का मतलब भी क्या होता है? एक पाई बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, दो पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, एक पाई बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए? थ्री। एंड द थ्री पाई बॉन्ड मीन्स क्या हो गया? सिक्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? एरोमेटिक। तो क्या हो गया, देखो इस कंपाउंड की बात करो, नॉन एरोमेटिक, दोनों सिंगल बॉन्ड है, कंटिन्यू है। जैसे ही तुम इसके पास सोडियम लेकर आए तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम के आने से यहाँ से कौन चला जाएगा? ये वाला एक हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में जाएगा? H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन गया, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये हाइड्रोजन गया किस फॉर्म में गया? H प्लस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही यहाँ से प्लस गया तो इसके पास कौन सा चार्ज आना है? नेगेटिव। इसको यहाँ बनाते हैं, जैसे ही यहाँ से ये गया तो इसके पास आना है कौन सा चार्ज? एक H तो रहेगा ही, एक H तो रहेगा ही, और एक क्या आ गया यहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्या हो जाएगा? H प्लस क्यों गया? ऐसे ही थोड़ी कोई अपने घर को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से Na ने इसको क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। Na मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे दिया, और यहाँ से ये किस फॉर्म में बाहर निकल गया? H2। वन एक हाइड्रोजन है तो हमने कर दिया 1/2 H2, गैस फॉर्म में बाहर निकल गया। और इसके जाने से यहाँ पर क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए ये यहाँ से क्या चला जाएगा? H प्लस। और कंपाउंड कैसा हो गया? एरोमेटिक, ठीक है। तो सिर्फ अगर ऐसे लिखा हो तो ये कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक है, लेकिन सोडियम लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एरोमेटिक, ठीक है। आज अपन यहीं पे यहीं तक रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और एग्जांपल्स और नॉन एरोमेटिक, और एक और होते हैं कौन से? होमो एरोमेटिक, उनको भी डिस्कस करेंगे, नॉन एरोमेटिक भी और होमो एरोमेटिक।